Guys, this is Mansi, your English educator at Unacademy. So welcome to 9th and 10th Live Daily and welcome to Unacademy 9th and 10th. So I hope that you're enjoying the basic grammar series जिसमें हम एकदम scratch से चीजों को खींच खींच के लेके जा रहे हैं on the level of advanced grammar. अब I had this really very sweet and simple query from one of my students who was asking me कि मैम ये सीरीज हमें एग्जाम में कैसे हेल्प करेगी. So now I generally thought of taking up this question right here in this video because ये शायद आप में से काफी बच्चों का question होगा. So see, basically जब हम भी grammar की बात करते हैं, grammar जो होती है जो आप क्लास वन से क्लास टू से जेंडर सीखना शुरू करते हो, एक्शन वर्ड सीखना शुरू करते हो, नेमिंग वर्ड सीखना शुरू करते हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अ मैन वुड स्टिल रिमेन अ मैन एंड अ वुमेन वुड स्टिल रिमेन अ वुमेन. उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बस क्या धीरे धीरे करके हम सीखते हैं चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं. दे आर दो स्पेडी रूल्स जो जगह 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 अप्लाई होते हैं और आपके एग्जाम्स में अपीयर हो जाते हैं. तभी आपको कंफ्यूजन होती है कि परफेक्ट होगा कि द परफेक्ट होगा कि एम परफेक्ट होगा कि हैज परफेक्ट होगा. सो ऑल आर दीज आर ऑल दोज लिटिल कंफ्यूजन जो आपको होती हैं, राइट. लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि जो हमारे एग्जाम में टाइटल आते हैं ना, इंटीग्रेटेड ग्रामर, वो इंटीग्रेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक हमें हर कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं पता होगी. For example, while discussing a rule of editing, if I tell you that for a verb, this is what the rule is, आपके लिए verb एक alien word की तरह sound नहीं करना चाहिए. You will have to understand that what am I talking about, what you had studied in your verbs वाली class, in order to understand that rule for editing or that choice that you would be making for gap filling. वो सब कुछ related है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये सीरीज बेसिकली आपको सिर्फ इसमें हेल्प नहीं करेगी कि आप अपने ग्रामर के 10 मार्क्स एकदम सिक्योर कर लो. नहीं, इस सीरीज का जो बेसिकली एरिया है वो वहां तक रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं. ये सीरीज आपको हेल्प करेगी आपकी ओवरऑल ग्रामर इम्प्रूव करने में. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इवन अ पार्ट ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ योर रिटन इंग्लिश. इफ यू विल नॉट नो वॉट टू फिल इन दैट ब्लैंक इन योर ग्रामर आंसर शीट, आपको वो भी नहीं पता चलता है जो आप अपने राइटिंग स्किल में अपने लिटरेचर आंसर में गलत लिखे आते. सो ऑल इन ऑल this is basically the base of English, and if you don't understand the base, then definitely the building that you're going to make up on that base would be really very vulnerable. So hame isiliye scratch se cheeze samajhni zaruri hai. And on that note, starting with today's session is a quick introduction that even though we are on grammar lecture 6 of verbs, I'm still going to give a quick introduction about myself. Jo students naye hain unke liye bata dun. My name is Mansi Gupta. I'm your English educator at an academy. I've done BCom honors from Delhi University. Uske baad, I took up teaching. Just 10 years mein, I've catered numerous students. And I genuinely love to teach you guys. और अगर आपको ये session पसंद आते हैं, आपको मेरे sessions, grammar sessions पसंद आते हैं, literature sessions पसंद आते हैं, do not forget to share them with the hashtag LiveSchoolDaily. Alright, moving ahead, this is the link for the Telegram app जहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो. सो अपने टीचर को तो टीचर तक डायरेक्टली पहुँचने का कोई तरीका मिल जाए तो उससे बढ़िया तो क्या ही हो, राइट. सो ये है वो लिंक, दैट इज tinyurl.com/unacademychat, जिससे आप डायरेक्टली ग्रुप में ऐड हो जाओगे अनअकैडमी फाउंडेशन के, एंड यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विद अस रियली वेरी इजिली, और आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी. Moving ahead, this is the link for the playlist, that is tinyurl.com/foundationmobile. अब इस लिंक के थ्रू आपको हमारे पिछले साल के लेक्चर्स और अभी तक भी हुए हुए लेक्चर्स इजिली मिल जाएंगे, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज, एंड नोट्स भी मिल जाएंगे साथ में. सो ऑल इन ऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो, ओके. एंड देन मूविंग अहेड विद आवर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. नाउ दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेर इन You get numerous things along with study. आपको और ज्यादा personalized experience मिलता है इस platform पे. और सिर्फ एक subject के लिए नहीं, if you take up the subscription, तो आपके उतने tenure के लिए आपके सारे courses will be sorted. All you will have to study, all you will have to do is basically just study with determination, with hard work. बस क्या ध्यान रखना है, I will not miss any session. All that I have to do is basically follow what my teachers are telling me here. ओके, सो यहाँ पे ये कोड यूज करोगे, दैट इज मानसी लाइव, दिस इज माय रेफरल कोड. अगर आप ये यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है. ऑलराइट,
And upon the usage of this referral code, your prices would come down to 18,900 for 24 months with a goal of foundation and NTSC and 12 months for 15,750. So if you're somebody who is in class 10th, you can take up 12 months ka subscription. Okay. एंड क्योंकि यहाँ पे एक और जो बहुत अच्छी चीज है, जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता है आपका पर मंथ कॉस्ट कम होता जाता है. सो ज्यादा पढ़ाई एंड वो भी और रीजनेबल रेट्स पे, राइट. और अगर आप क्लास टेंथ में हो देन टू इयर्स वुड बी रियली वेरी सॉर्टेड. एंड फिर तो क्लास इलेवेंथ में सोचना है कि अब कहाँ से पढ़ना है. टिल देन योर लाइफ वुड बी सॉर्टेड. सो दिस वॉज फॉर फाउंडेशन एंड एनटीएससी. सो सिमिलर सिनेरियो पे क्लास नाइन्थ और टेंथ के भी बच्चे पढ़ सकते हैं हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे. कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम वन मंथ, थ्री मंथ, सिक्स मंथ्स एंड 12 मंथ्स. अगेन पूरे साल के लिए अगर आप खुद को सॉर्टेड रखना चाहते हो, सो मैक्सिमम ड्यूरेशन वुड बी द बेस्ट वन, राइट. बट इफ यू फील दैट आई शुड गिव इट अ ट्राई फर्स्ट, मैं पहले एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ एंड पोस्ट दैट आई विल डिसाइड इफ आई जेन्युइनली वांट टू टेक इट अप. ओके, सो पूरे साल का एक घटना लेके यू कैन स्टार्ट विद अ मंथ एंड अगेन विद द यूजेज ऑफ माय रेफरल कोड दैट इज मानसी लाइफ आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. All right, and इस basically referral code को use करने के बाद आपका 12 months का course हो जाएगा 11,250 and 6 months would be 9,000. So depending upon whatever is more suitable to you, आप उसके according choose कर सकते हो. और अगर नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे आ गए हम अपने grammar session lecture 6 पे, that is verb. So let us quickly change the pen color. Let's go to yellow. Alright, so talking about parts of speech, जो हमने अपने first session में discuss किया था, उसके बाद हमने noun discuss किया, then हमने pronoun discuss किया, then we discussed adjectives in our previous session, right? So now we have come up to verbs. So this is going to be our portion of the wheel that we are going to conquer today. आज हम पूरा का पूरा verb सीख के रहेंगे, okay? Now what is a verb basically? ये तो definitely आपके से maximum बच्चों को पता होगा. जिनको पता है फटाफट मुझे चैट पे बता दो और जिनको नहीं पता है वो फटाफट मेरी बात सुनो. A verb is a word used to describe an action, state or possession. अब मैंने आपको अपने आपके इंट्रोडक्टरी सेशन में भी बताया था कि बेसिकली वर्ब का जो हम सिनोनिम समझते हैं और जो हम बचपन से सीखते आए हैं वो क्या सीखते आए हैं. हम सीखते आए हैं वर्ब इज बेसिकली एक्शन वर्ब्स, राइट. But is it the complete definition of verbs? No, it is not. Why? Because verbs also depict a state or possession. Possession का मतलब क्या है? Possession का मतलब है ownership. Possession का मतलब क्या हुआ? Possession का मतलब हुआ ownership. तो यहाँ पे हमें एक और चीज जो समझनी है. अगर आप किसी भी word की बात करते हो English में, ठीक है, हमने मैंने आपको ये कंसेप्ट स्टार्टिंग से ही इसका बेस क्या बनाया था मैंने आपका, कि आप कोई भी वर्ड देखते हो डिक्शनरी में, कभी उसके आगे लिखा होता है एडीजे, कभी उसके आगे लिखा होता है एडीवी, कभी उसके आगे लिखा होता है एन, राइट. सो बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया था कि सारे के सारे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है, दैट इज अब एक वर्ड के मीनिंग में आपको हो सकता है वहां पे नाउन भी मेंशन हो, उसका मीनिंग एज अ नाउन, और उसका मीनिंग एज अ वर्ब भी मेंशन हो. कभी कभार दोनों भी होते हैं, दो से ज्यादा भी होते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे हमें क्या समझना है, इट इज द फॉर्म, इट इज बेसिकली द नेचर इन विच द वर्ड हैज बीन यूज्ड. तो आपको अगर किसी भी वर्ड को ये फिगर आउट करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो वर्ड है ये एक वर्ब है या ये एक नाउन है, तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि वो वर्ड यूज कैसे हो रहा है. यू कैन लुक एट दिस पर्सन लिटरली मैग्निफाइंग इट एंड सीइंग इट. ऐसे ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा. ऑलराइट, नाउ लेट अस क्विकली टेक एग्जांपल और अच्छे से समझ आ जाएगी डेफिनेशन. मैंने बोला ही ब्रशेस हिज टीथ. आई एम टेकिंग रियली वेरी सिंपल एग्जांपल्स ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आए. जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे सेंटेंसेस भी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट लेट अस सपोज आई से ही इज लेट. ठीक है, उसके बाद मैंने एक और सेंटेंस ले लिया, He has a car. Okay, so these are the three sentences that I have taken, 1, 2, and 3. Now let us change the color. Let us move to white.
Okay, so now I said he brushes his teeth and I said he is late. He has a car. So हम में से जिसको भी basic knowledge भी है verbs की उनको ये समझ आ गया होगा कि first sentence में जो verb है it is brushes, third में जो है it is and fourth में it is has. ये हमारे verbs हैं तीन sentences के. लेकिन अगर आप first में देखो तो ये एक basically brushing एक action है जो आप clearly देख सकते हो, right? So यहाँ पे basically आपका जो verb है वो एक action word है, right? अब वैसे ही he is late. अच्छा क्विकली टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ लेट. मतलब लेट कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है यहाँ पे. लेट कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है यहाँ पे. फॉर दोज ऑफ यू हु नो द आंसर अमेजिंग. यस इट इज एडजेक्टिव. लेट इज द एडजेक्टिव हियर. ऑलराइट नाउ इज वो लेट है. ये उसका स्टेट है, राइट. ये उसका स्टेट है. ये एक्शन नहीं है जो हम देख लें उसको करते हुए, राइट. ये बस उसका स्टेट है कि वो लेट है. या ही इज इल मतलब वो बीमार है. ही इज वेल मतलब वो सही है. तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे स्टेट बता रहे हैं आपको. ये तीनों सेंटेंसेस में आपको क्या पता चल रहा है, व्हाट इज ए स्टेट. वो सही है, वो बीमार है, वो लेट है. इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता चल रहा. नाउ नेक्स्ट है, से इफ ही हैज अ कार. उसके पास एक गाड़ी है, राइट. दिस इज अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इट. नाउ विद दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ही इज बेसिकली द ओनर ऑफ अ कार, राइट. कैसे पता चला, हैज से. हैज से पता चला. सो बेसिकली हमें क्या पता चला कि यस वर्ब्स ऑल्सो डिपिक्ट पोजेशन. वर्ब्स ये भी बताते हैं कि इसका ओनर है. ही ओनर है कार का. ऑलराइट, अंडरस्टूड. लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट वी कम टू, आपने बहुत बार ये सुना होगा, बहुत ही बार सुना होगा, टाइप्स ऑफ वर्ब्स में आपने सुना होगा इन्फिनिटिव नॉन इन्फिनिटिव, सॉरी फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव. फिर आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब सुने होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब सुने होंगे. अब बेसिकली वर्ब्स को इतना ज्यादा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत ही क्या है. वाई टू कॉम्प्लिकेट लाइफ, हमारी तो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है. क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये चीज समझो. Now there are bases of differentiation. Verb के जब हम types निकालते हैं तो हम अलग अलग चीजों के basis पे verbs के type निकालते हैं, ठीक है. और वो basically basis क्या है, एक बार ही हम verb को differentiate करते हैं function के basis. किसके basis पे, function के basis पे, कि verb क्या काम कर रहा है, verb क्या काम कर रहा है. Okay? Next we differentiate कि verb को object की जरूरत है कि नहीं. ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा आपका नाउन या फिर प्रोनाउन, राइट. ऑब्जेक्ट आपका क्या बनता है, नाउन या फिर प्रोनाउन. सब्जेक्ट भी हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी मोस्टली वही होता है. तो अब हमें क्या समझना है कि हमारे वर्ब को नीड है ऑब्जेक्ट की कि नहीं है. अगर हमें ये आंसर मिलता है कि है या नहीं है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम एक और डिफरेंशिएशन बना देते हैं वर्ब्स की एज ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, सॉरी. क्लियर. देन मूविंग अहेड वी हैव अनदर फॉर्म दैट इज सब्जेक्ट और टेंस के बेसिस पे डिफरेंशिएशन, विच इज योर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. ओके, सो ये बेसिकली तीन चीजें हैं जिसको हम अभी इस सेशन में कवर करेंगे, जो हम क्लियरली समझेंगे कि तीन जो हम टाइप्स पढ़ते हैं, तीन जो अलग अलग डिफरेंशिएशंस पढ़ते हैं, वो हम क्यों पढ़ते हैं और वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं और वो कैसे एक दूसरे से अलग है. कुछ भी ओवरलैप नहीं करते, सारी ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं. ऑलराइट, लेट अस मूव अहेड. नाउ वी कम टू आवर वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब्स विच आर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ये किसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन है, ये है फंक्शन के बेसिस पे. फंक्शन के बेसिस पे मतलब क्या, क्या आपका वर्ब एक मेन वर्ब है. अब मेन वर्ब क्या होता है, जो आप आराम से देख सकते हो, राइट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ही ब्रशेस हिज टीथ, या फिर आई कैन से राम ड्राइव्स अ कार. राम गाड़ी चलाता है, राम ड्राइव्स अ कार. तो यहाँ पे ड्राइव क्या हो गया, ड्राइव हो गया मेन वर्ब. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली दी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनकी क्लैरिटी हमारी लाइफ में थोड़ी सी कम है, ठीक है. सो नाउ आर ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी का मतलब ही बच्चे क्या होता है, ऑक्सिलरी का सॉर्ट ऑफ मतलब होता है हेल्प करना,
ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? जो होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरीज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, समझ आया? अब इसको ढंग से समझो। अब जैसे आपके पास तीन फॉर्म्स हैं। अब ये हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड देन यू हैव योर मॉडल वर्ब्स, राइट। मॉडल वर्ब्स को हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में नहीं, रादर इस सीरीज के बाद कवर करेंगे। जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, देन विल बी कमिंग अप विद मॉडल वर्ब्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वी हैव वर्ब्स लाइक शैल, वी हैव शुड। तो बेसिकली वील डू एट हियर, ओके। तो अभी ये खाली एग्जाम्पल के लिए समझ लो, इससे ज्यादा यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है, दैट इज ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरीज क्या करते हैं? दे विल बेसिकली अपियर विद अ मेन वर्ब। सो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या होगा? मेन वर्ब होगा, तभी ऑक्सिलरी है। इसको मेन वर्ब को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या यूज करे? हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करे, ठीक है, मेन वर्ब को सपोर्ट प्रोवाइड करने के। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब दैट इज आर, ए आर ई आर। सो यू हैव टू टेल मी, इज इट एन ऑक्सिलरी वर्ब और इज इट अ मेन वर्ब? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। इज इट एन ऑक्सिलरी वर्ब और इज इट अ मेन वर्ब? क्विकली टेल मी। अब देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं। मोस्टली बच्चों ने रिप्लाई करा है इट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। यही बोलोगे ना, मेन वर्ब क्यों नहीं? नाउ अंडरस्टैंड दिस, इट इज बोथ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस? इट इज बोथ। नाउ व्हाई इज इट बोथ? सी, जब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब होता है तब तो वो सपोर्टिंग नेचर में होता है, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब इंडिपेंडेंट है, उसके साथ और कोई मेन वर्ब नहीं है, सो दैट इज इक्वल टू अ मेन वर्ब, एंड दैट इज वेयर ऑक्सिलरी वर्ब्स आल्सो फंक्शन एज द मेन वर्ब्स, बट मॉडल्स कैन नॉट कम अलोन। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन बी डन, तो डू वर्ब यूज हुआ ही हुआ, राइट, उसके बिना हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर? लेट अस मूव अहेड नाउ एंड अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली। ओके, सो नंबर वन वी हैव टू बी। टू बी की फॉर्म्स तो डेफिनेटली मुझे पता है, सबको बताऊंगी। हमारे पास तीन टाइप्स हैं, तीन टाइप के वर्ब्स हैं यहाँ पे, टू बी, टू डू एंड टू हैव। तो जल्दी से मुझे टू बी की फॉर्म्स बता दो, जल्दी से बता दो। वेरी गुड, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, राइट। वेरी गुड गाइज, अमेजिंग, वेरी गुड, सबको आता था, आई एम इम्प्रेस्ड। नाउ डू की क्या फॉर्म्स होती हैं? डू, डज एंड देन वी हैव डिड। डू, डज एंड डिड। नाउ कमिंग टू हैव, वी हैव हैज, हैव एंड देन वी हैव हैड, राइट। यही है, इनके यूजेस हम और क्लियरली समझेंगे अपनी टेंसेस वाली क्लास में। अभी के लिए व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट दीज आर अनदर ऑक्सिलरी, दीज आर बेसिकली द ऑक्सिलरी वर्ब्स व्हिच फंक्शन एज मेन वर्ब्स व्हेन योर मेन वर्ब इज मिसिंग फ्रॉम द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, चलो जल्दी से एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मैंने आपको बोला ही इज हेल्दी, ठीक है, ही इज हेल्दी। और मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया ही ईट्स हेल्दी फूड, ही ईट्स हेल्दी फूड, जस्ट अ मिनट, सो सॉरी, एच ई एल डी, हेल्दी फूड। अब यहां पे बेसिकली क्या है, खाने का एक्शन आप किसी को करते हुए देख सकते हो, राइट। ईट्स विल बेसिकली बी योर मेन वर्ब, या सो ईट्स इज योर मेन वर्ब, क्योंकि आप किसी को आराम से खाते हुए देख सकते हो, राइट। इट इज नॉट गोइंग टू बी योर हेल्पिंग वर्ब, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ये तो आपका एक्शन वर्ड है, आप किसी को खाना खाते हुए देख सकते हो। लेकिन व्हेन आई से ही इज हेल्दी, सो यहाँ पे आपका मेन वर्ब इन योर कॉन्टेक्स्ट, योर एक्शन वर्ड इज मिसिंग, योर एक्शन वर्ड इज मिसिंग। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज दिस ऑक्सिलरी वर्ब इज, डेफिनेट टर्म्स में अगर मैं आपको बोलूँ, सो इट इज योर ऑक्सिलरी वर्ब इज विच इज प्रेजेंट हियर, दिस फंक्शनिंग एज द मेन वर्ब, देयरफॉर इट बिकम्स योर
main verb here because it does not give support to any verb. It is functioning independently here. And verbs, therefore, becomes a very important part of English because there can be no sentence in English without a verb. Clear? Understood? You need a verb in the sentence to form a sentence. Clear? Aage chalte. Next type of verbs that we come to are transitive and intransitive. Ab yahan pe samajhte hain. Maine aapko kya bataya? Next differentiation will be on the basis of the object. On the basis of the object. Now what do we understand? Transitive verbs basically wo hote hain that take an object. They need an object. Need bol sakte ho ya take bol sakte ho. Kyun hai aisa? Main abhi aapko samjhati hu. एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पीछे क्या होता है अभी आपको समझाते हैं. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इनट्रांजिटिव को यहाँ पे ही समझो. दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट सबसे पहले होता क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था जब हम डिफ्रेंसिएशन सीख रहे थे कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है सेंटेंस में और एक ऑब्जेक्ट होता है. अब वर्ब इज बेसिकली द एक्शन. अभी ऐसे समझ लो, वर्ब इज बेसिकली द एक्शन. अब जो एक्शन का रिसीवर है, एक्शन का रिसीवर है वो क्या होगा, ये जिस पे एक्शन हो रहा है वो है आपका ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज बेसिकली योर डूअर. अंडरस्टूड? सब्जेक्ट इज योर डूअर. तो यहां पे भी फटाफट एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. ट्रांजिटिव, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, एंड इनट्रांजिटिव डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. यहां तक क्लियर है? Let us quickly take an example. Okay, मैंने आपको बोला he drove the car slowly. ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बोला he laughed loudly. ठीक है, अब आपको यहां पे हु इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन, हु इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन, क्विकली टेल मी हु इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन. वेरी गुड, ही इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन. देयरफॉर ही इज योर सब्जेक्ट विच इज योर प्रोनाउन. ड्रोव इज द वर्ब हियर. वेरी गुड, क्या ड्राइव किया उसने? उसने कार ड्राइव करी, तो कार बिकम्स योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, विच इज अगेन अ नाउन. वेरी गुड, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया. मतलब यहाँ पे drove is your transitive verb. Okay? Another one. He laughed loudly. Who is the doer of the action? He is the doer of the action. He is your subject. Kya action hua? Of laughing. Laughed is your verb here. Very good. Lekin loudly. Loudly kaun sa part of speech se belong karta hai? Jaldi se mujhe batao. Loudly. Loudly. So sorry. Loudly is what part of speech? Quickly tell me. Yes, very good. Loudly is your adverb. क्योंकि laughed आपका verb है, जिसको जिसके बारे में additional information दे रहा है. कैसे हंसा? Loudly हंसा. लेकिन किस पे हंसा ये हमें नहीं पता. अगर ये ही होता, इसलिए आपका laughed basically यहाँ पे आपका laughed function कैसे कर रहा है? As an intransitive verb. लेकिन let us suppose अगर ये sentence होता he laughed loudly at the animal, let us suppose, or at the joker. ठीक है, at the joker. तो वहां पे it would have been a part of the transitive verb. Once your verb appears with an object, it goes into the category of the transitive verb. ठीक है, अगर verb independent है of the object, तो वो क्या हो गया? Intransitive. Clear? Intransitive हो गया. For example, another one. अच्छा, अब मुझे आप बताओगे. आई एम राइटिंग इट डाउन हियर. ही अग्रीज विद मी. ही अग्रीज विद मी इज अ इज बेसिकली द सेंटेंस दैट आई हैव गिवन यू. नाउ जल्दी से मुझे बताओ, ही इज अ डूअर. यस, ही इज योर सब्जेक्ट. एंड व्हाट डज ही डू? ही अग्रीज. अग्रीज बिकम्स योर वर्ब. नाउ आई हैव मी हियर. मी क्या है? मी इज अनदर प्रोनाउन फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट हियर. देयरफॉर अग्रीज बिकम योर ट्रांजिटिव वर्ब. अग्रीज बिकम्स योर ट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन यहां पे होता है ही अग्रीज,
विद मी नहीं होता तो अग्रीज कहाँ चला जाता है, इनट्रांजिटिव हो जाता है. क्लियर, अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं एंड लेट अस मूव टू फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज समझाई थी. नाउ द थर्ड डिफरेंशिएशन इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस. सब्जेक्ट एंड टेंस. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, दैट डज गेट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस. आई वंडर मैंने टेढ़ा क्यों लिखा, बट प्लीज बेयर विद मी. एंड देन नॉन फाइनाइट. So this basically has no effect. This doesn't have any effect of subject and tense. मतलब tense कोई भी हो, subject कोई भी हो, वो change नहीं होगा. और यहाँ पे subject बदला, tense बदला, तो उस verb में change आएगा. Verb में change का मतलब ये नहीं है verb बदल जाएगा, नहीं, verb की दूसरी form use करनी पड़ेगी हमें. Let us quickly take an example and understand. Now let us suppose मैंने आपको एक example दिया. He reads a book. ठीक है, he reads a book. लेकिन अगर मैं यहां पर कर दू they read a book. They read a book. ठीक है, और let us suppose, let me take a third one. रीड का पास्ट क्या होता है, रेड. अगर ये पास्ट में होता तो क्या होता है, ही रेड. स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, अ बुक. तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हो गया. जिसने प्रोनाउंस वाली क्लास अटेंड करी को डेफिनेटली चेक दैट आउट, जरूरी है. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली आपका प्रोनाउन सिंगुलर से प्लूरल हो गया, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर से प्लूरल हो गया. सो देयर इज अ चेंज इन द वर्ब बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट. नाउ ओवर हियर ये ही रीड से रेड हो गया, जैसे ये प्रेजेंट से हमारी स्टोरी कहां गई, पास्ट में. ठीक है, सो द मोमेंट दिस पर्सन फिनिश्ड ऑफ दिस एक्शन एंड ही हैड लेफ्ट दिस हैबिट ऑफ हिज ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो रीड का रेड हो गया. तो यहां पे भी क्या हुआ, वर्ब में चेंज आया. सो दिस बिकम्स योर finite verb that changes with subject and tense. All right, now let us take another example. He likes playing. ठीक है, चलो एक और example लेते हैं. He likes okay, so this one was too bad here. Let me raise it and write it again. Yeah. So yahan pe he likes to read. So yahan pe kya hua? Understand this. He likes playing. Playing is your word. Playing is a form. Playing is basically your verb here. Even though yahan pe likes is a verb that is functioning, but playing is also a verb. So basically यहाँ पे हमें एक और चीज समझ आती है, योर कॉन्सेप्ट ऑफ जेरंड, जो हम एक और क्लास में डेफिनेटली करेंगे. ठीक है, एंड योर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव, ये भी कुछ होते हैं इंग्लिश में जिसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, ये दो भी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. सो यहाँ पे प्लेइंग बेसिकली आपका जेरंड है, जो कि एक वर्ब है बट वो फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन. इन डिटेल हम बाद में समझेंगे. सो ही लाइक्स प्लेइंग, दे लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग. चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट में कोई भी चेंज आए, दे लाइक प्लेइंग, टेंस में कोई भी चेंज आए, प्लेइंग में कोई चेंज नहीं आएगा. राइट, सो दैट इज द रीजन इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. क्लियर, अब वैसे ही ही लाइक्स टू रीड, दे लाइक टू रीड, वी लाइक टू रीड, दे लाइक टू रीड, तो वैसे ही यहाँ पे रीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा. So again, it becomes your non-finite verb. So those verbs which do not
जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है सब्जेक्ट का और टेंस का, वो क्या हो गए आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और जिनके ऊपर आता है वो हो गए आपके फाइनाइट वर्ब्स। वैसे ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जिनको जरूरत होती है वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनको नहीं होती वो इनट्रांजिटिव। और हमने क्या सीखा, और हमने सीखा कि मेन एक वर्ब को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी अपीयर्स विद द मेन वर्ब, व्हेन इट डज नॉट इट फंक्शंस एज अ मेन वर्ब। ऑक्सिलरीज के और दो पार्ट थे, प्राइमरी एंड देन वी हैड मॉडल वर्ब्स। क्लियर क्लियर। इस क्लास की आपको टेंसेस की क्लास में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जेनरली बहुत जरूरत पड़ने वाली है, सो टेक इट रियली वेरी सीरियसली। अगर वर्ब्स नहीं समझ पाए, अगर नाउन्स प्रोनाउन्स नहीं समझ पाए, टेंसेस विल बिकम रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, ट्रस्ट मी। ओके, लेट अस मूव अहेड एंड डायरेक्टली डाइव इन टू द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब एक वर्ब के बेसिकली, सो सॉरी वी मूव्ड अहेड, या लेट्स सेलेक्ट द वर्ब। तो एक वर्ब के फाइव फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म उसका कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट में इन द प्लूरल फॉर्म, ठीक है, इन द प्लूरल फॉर्म। वी टू इज अ पास्ट टेंस, वी थ्री इज अ पास्ट पार्टिसिपल, वी फोर इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म, द आई एन जी फॉर्म, ठीक है, द आई एन जी फॉर्म। एंड देन सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर, अब हमें डिफरेंस समझना है इसमें और डिफरेंस समझना है इसमें। सी, जब एक वर्ब में आप सिंगुलर फॉर्म में ऐड करते हो उसमें एस या ई एस, एस या ई एस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब अपीयर करेगा तो आप उसमें ऐड करते हो एस या ई एस, वो उसका होता है फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। और जो हम बेस वर्ब प्लूरल फॉर्म जो आपका होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म जो आपका होता है बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ओके, yeah, so let us take the example of the verb that is go. Go ka example lenge hum yahan pe. Now if you take it, v1 will be go, theek hai, v2 kya ho jayega, go went, v3 kya ho jayega, gone. Ab past tense aur past participle mein kya difference hota hai hame in depth tense class mein samajh aayega. Abhi ye samajh lo, ye simple past tense ke liye use hota hai aur ye perfect टेंसेस के लिए यूज होता है। परफेक्ट टेंसेस, दोस आर योर थर्ड टाइप ऑफ टेंसेस, ठीक है। V4 क्या हो गया, गोइंग, बेस वर्ब प्लस आईएनजी। और V5 क्या होगा, V5 होगा गोज, V5 क्या होगा गोज। सो यू अंडरस्टूड दोस फाइव फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू जस्ट नीड टू नो एज एन एनलाइटनमेंट। तीन फॉर्म्स नहीं होते, पांच होते हैं जिसमें से हम तीन पढ़ते हैं क्योंकि उसके बाद हम चौथा पांचवा बहुत ईजिली बना सकते हैं, ठीक है, समझ आया। लेकिन पांच फॉर्म्स होती हैं बेसिकली। एंड इसी के साथ साथ यहीं पे आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन। और होमवर्क क्या है, आज हमारा होमवर्क एमसीक्यू नहीं होगा, आज हमारा होमवर्क है आप मुझे बताओगे कौन से वर्ब के फॉर्म्स बताओगे, आप मुझे बताओगे पांच फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्लाई। सो योर होमवर्क इज टेल मी फाइव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्लाई, ओके। So you have to let me know those in the comment section after the session goes off. Session के end में बताओ, all right? Session के end में बताओगे। अभी तक हमने बहुत अच्छे से तीनों types सीख लिया और उसके अंदर की bifurcation सीख लिया और forms of verbs सीख लिया। यहीं पे हमारे forms की verbs की theory basically end होती है and अब हम जाएंगे questions के बीच में, okay? Now let us take the very first question of the day. So you have to tell me, is the verb transitive or intransitive? I want to leave early. I want to leave early. Is what type? Transitive or intransitive? Quickly tell me. Early basically here is not an object. Early यहाँ पे है एक adverb. तो क्योंकि यहाँ पे adverb है, यहाँ पे कोई object नहीं है, leave को जरूरत नहीं पड़ी object की, तो इसीलिए leave क्या है आपका, लीव इज योर इनट्रांजिटिव वर्ब। सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव गिवन दिस एज अ करेक्ट आंसर, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम माय साइड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नाउ अगेन, इज अ वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव? जेम्स स्टोल अ कार फ्रॉम द गैराज। जेम्स स्टोल अ कार, जेम्स इज अ डूअर, जेम्स इज द सब्जेक्ट, stole is your verb, and what did he steal? He stole a car. Object bhi hai, matlab yahan pe stole kya hua, stole is your
transitive verb, right? Stole is your transitive verb. Moving ahead, I am looking for my passport. Who is a doer? I is a doer. Is a subject, a pronoun. What is happening? What is he doing? I am looking. Looking becomes your verb. And what? Who is the receiver of the action? Passport ki wajah se dhoondna pad raha hai. So that becomes your object. So yahan pe looking becomes what? Looking becomes your transitive verb because it has the object along with it. Right? Understood? So jisne in teenon ka answer diya hai, amazing. Genuinely guys, amazing. You guys are super intelligent. Aage chalte hain. Okay, so is the verb finite or infinite? Finite or infinite mein basically kya hota tha? Effect by the tense and the subject. So I like swimming. Bol ke dekho, I like swimming. Subject change kar do, plural kar do. We like swimming. Uske baad tense change kar do. They liked swimming. Swimming mein koi change aaya? Bilkul nahi aaya. So swimming aapke liye kya ho gaya? Swimming becomes your infinite verb. Swimming becomes your infinite verb, right? Let us move ahead. Again, the very same question. I had to find out what happened at the meeting. I had to find out what happened at the meeting. So, find is your verb here, which is followed by to. I had to find out. I had to. They had to. We have to. Find ही होगा ना, so that means इसके ऊपर it is no effect of tense and subject and it becomes your infinite verb. It becomes your infinite verb, right? Very good guys, amazing for all those who have given the correct answers. मतलब कभी कभार तो लगता है आपको पढ़ाना ही क्या है. Okay, now tell the respective form of verb. Now you have to tell me the third form of forget. Third form of forget. So I'm asking you V3 of forget. Kya hai? Forget, forgot, forgotten. Very good, very good. Maximum logon ne answer sahi diya hai and amazing. Genuinely amazing. Third form of forget is forgotten. Moving ahead, what is the fifth form of the verb shut? V5 of shut. V5 कौन सा फॉर्म है? V5 is simple present. Simple present का कौन सा? Singular form. So basically इसमें क्या होगा? इसमें addition होगा s और es का और इसलिए क्या हो गया? Shuts, right? So shut की forms क्या है? Shut, 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 shutting and then shuts, right? He shuts the door. They shut the door. All right, clear. And on this note, we end up with this amazing session on chapter. And let us quickly discuss the timetable. So you have Surbhi ma'am taking up maths classes for you. Bhavna ma'am is there for physics. And then you have Seema ma'am for chemistry. And then you have Vindhya ma'am for biology. This is the timetable for class 9th. And exactly the same one with different time slots with the same teachers. Surbhi ma'am for maths, Bhavna ma'am for physics, Seema ma'am for chemistry. Vindhya ma'am for biology is there for class 10th as well. Followed by the Pakshi ma'am for SST and English at 7:45. Moving ahead with this, on Unacademy subscription, you get to take live classes, you get to interact with the educator, you live polls and leaderboard, you even have test series and analysis, and along with that, you have live doubt clearing sessions. And with this particular platform, you get to study from India's best educators. Agar aapko kisi ek teacher ka samajh nahi aa raha, the other person will do. Be the best one indeed, and we have various batches running, we have various courses. You can definitely check it out on the Unacademy Learning app. All you have to do is install the app, go on Plus, choose your goal, and then get subscription. You can choose from multiple variants and avail 10% discount with the usage of the code that is MANSILAI for Foundation and NTSC, as well as for class 9th and as well as class 10th for all the subjects at under one roof, at one platform, in one particular package, right? If you are somebody who is new to the channel, do not forget to subscribe to our channel, hit the bell icon for regular updates for your 9th and 10th channel, and share the session with the hashtag LiveSchoolDaily, and do not forget to like the session.
right? And let's crack it with Unacademy NEET, Unacademy JEE, and Unacademy 11th and 12th as well, right? So let us study all that we have. This is my referral code again. This is your English educator signing off. Good night. Thank you so much.